तो फ्रेंड ये देखिए खाना तो हम फिलहाल खा चुके हैं। ये है नेनुआ आलू और यह जो चिचड़ा है ना जो घर पे हम बनाए थे उसका मसाला अच्छे से भुना रहा है। उधर रोटी बन रही है चिचड़ा, वो चिचड़ा जो लिए थे ना तो ऊपर पूरा ऐसे लाइन लाइन था ना तो वो क्या बोलते हैं उसको कायदा नहीं, जैसे ये देसी हो गया और उसका पता ना कैसे तो ये बताएं कि वो वाला होता है पता, ये देसी हो गया तो हमको इतना समझ नहीं था। हम जो आया बेचने घर दरवाजा पे आता वही हम ले लेते तो ये भी चिचड़ा उसका मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए भुनाई चुका है, इसको फ्राई करके निकाल के बाद ठंडा करके भर देंगे। अच्छा दाल है, इधर भुजिया है और चिचड़ा है ना जो पतला पतला होता है उसका भुजिया है ये, और नीचे चावल भी है। इसमें चावल है, कुकर में चावल है, रोटी बन रही है। तो ये देखिए हमारी छोटी बहन आई है, बोलो स्माइल दो। हाँ बड़ी शांति है, तबीयत नहीं ठीक है हाँ। हम तो खा चुके हैं, पूजा करके आए, बहुत तेज भूख लगी थी, आई बोले कुछ खा लो, नहीं भीम बढ़ता पता नहीं खाए खाने में मार्केट में बड़ा भीम बढ़ता, लोग गंदे संदे प्लेट व्लेट सब रखते हैं इसलिए नहीं खाएं। और समय से पूजा हो गई तो समय से बोले चलो जब बना हुआ तो जाके घड़े पर खाएंगे, तो चले आए। अभी खाना बन जाए तो यहाँ साइड है या तो फिर सांभर की चटनी की तैयारी करेंगे। डोसा को तो आप दिखाई चुके रात को बैटर पीस के रख दिए, पता नहीं अभी देखे नहीं फूला है कि नहीं फूला है। आटा देखिए कितना सारा गुना हुआ है, आती है ना काम करने वही गुन की चली गई है। ऐसे बाल है जैसे हमको कोई मारा हो पटक पटक के पूरा बाल और नोच नोच के। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा देर में, चटनी सांभर ये खाना बना रहे थे उसके बाद क्या हुआ सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं चिचड़ा को फ्राई अच्छे से कर चुकी हूँ, या तो ये कूलर जैसा रहा है ना मुँह पे इसके हवा है भूतनी जैसे, तो ये इसका मसाला स्टफिंग जो है इसके अंदर ये देखिए इसको आपको ऐसे, ये खैर छोटा वाला है ठीक है, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी बगैर आपको सारे स्टेपिंग ऐसे आपको फ्रेंड आज बनाए ढोसा, जैसे रात को हमने बता ही चुके हैं वो पहला वाला वीडियो जो गया है, तो ये मूंगफली की चटनी बनेगी और कुछ इसमें मिक्स नहीं होगा, बस मूंगफली की चटनी। फिलहाल तो अभी हम सांभर के लिए फ्राई करेंगे प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी इसमें पड़ेगा, जैसे अभी पहले पड़ेगा जैसे कि काली वाली राई, हींग, सूखी मिर्च और कढ़ी पत्ता, फिर प्याज टमाटर इस सांभर मसाला देके इसमें फ्राई करूँगी। और ये हमारा डोसा का जो स्टफिंग है डालने वाला वो तैयार हो चुकी, और ये रहा हमारा सांभर। तो सांभर में मैं इतना गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ डालने से ये होता है ना कि बैलेंस करता है नमक और गुड़ से अच्छा टेस्ट थोड़ा आता है, इसलिए हमने डाल दिया। अभी इसमें और थोड़ा सा पानी मतलब हम गर्म करें, देखें इसमें कुकर का जो है लगभग वो चला गया, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसको पानी थोड़ा सा गर्म करके डालेंगे। चलिए आइए हमारे साथ डोसा खाइए, फिलहाल पहले आपको खिला दें क्योंकि जब तक आपको नहीं खिलाता हम पेट नहीं भरता है ना पहले आप खा लीजिए, ये लीजिए फिलहाल तो बताएंगे हम कैसा बना है। चटनी कितना दे दीजिए लड़की, जो सुबह में बहन ने खाई थी ना उसमें कमेंट करके कैसा बना है, दोनों बेटियां मम्मी सब बताएंगे कमेंट करके कैसा डोसा बना है। अब खाना आएंगे तो घर के लिए निकल जाएंगे, तो आपको घर पर फिर मिलेंगे, रास्ते में देखते हैं थोड़ा वीडियो ले लेते हैं इधर ले लें, फिलहाल तो ऐसे खड़े खड़े ही मिलेगा आपको।
चलते हैं अपने घर, यहाँ का दाना पानी खत्म हुआ अब अपने घर का खाते हैं। तो चलिए घर चलते हैं, आप जहाँ जहाँ घूमना था घूम ली, बस यही जगह बाकी रहा। कई बार जा चुके, ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट बार जा रहे, बहुत बार जा चुके, पटेल कमाने के बाद और जाए। तो चलिए जब जाएंगे तो आपको ले चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों घर मिलते हैं आपको, ये है सरोजा जी कोई ना थे भाई करो ना, मोबाइल में देखिए घर बैठ के। हाँ तो ये है सरोजा आंटी, मेस जहाँ जहाँ चलता है ना वहाँ वहाँ काम करती हैं, है ना। फलिंगे का और ऐसे मतलब करती है, मेस में सिर्फ यहाँ करती है।